In today's talk, we shall be discussing about the line coding. Line coding एक ऐसी टेक्निक है थ्रू विच जो डिजिटल डाटा है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। सो टू स्टार्ट विद द लाइन कोडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज अ सिग्नल। जो सिग्नल वर्ड है दैट हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिग्नम, जिसका मतलब क्या होता है, एक मार्क या एक साइन। और जो सिग्नल है दैट इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल वे देन द सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम माने कि इट वेरीज विद द टाइम। सो हम बोल सकते हैं कि एक सिग्नल इज अ इलेक्ट्रिक करंट या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और यूज्ड टू कन्वे द डेटा। जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं वो दो टाइप के हमारे पास हैं, वन इज एनालॉग सिग्नल्स एंड अदर वन इज डिजिटल सिग्नल्स। जो एनालॉग सिग्नल है इट हैज कंटिन्यूअस वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सी दीज आर द कंटिन्यूअस वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज टाइम एंड दीज आर द कंटिन्यूअस वैल्यूज। सो इट इज बेस्ट बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई अ सीरीज ऑफ साइन वेव्स। जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि जो डिजिटल सिग्नल है दैट कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज, दैट इज इट कैन बी जीरो और इट कैन बी वन। सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज एक्चुअली अ डिजिटल सिग्नल। और कोई भी सिग्नल है वो पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। जो पीरियोडिक सिग्नल होता है दैट इज अ सिग्नल विच रिपीट्स इट्स पैटर्न आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो अपने पैटर्न को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, दैट इज अ पीरियोडिक। और जो अपीरियोडिक है वो अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करता, कभी एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है, कभी दो एम्पलीट्यूड्स में कम गैप हो सकता है, कई बार टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स में ज्यादा गैप हो सकता है। सो इन दोस केसेस इन विच द पैटर्न डज नॉट रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नोन एज अ पीरियोडिक। जैसे हम अगर आपको बताएं तो मान लो कि ये मेरे पास कोई एक सिग्नल है, मान लो ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है, तो ये क्या कर रहा है, दिस सिग्नल इज एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। जैसे कि अगर मैं एनालॉग की भी बात करूं तो ये देखिए ये जो पैटर्न है ना सेम जैसा है हर जगह पे। जैसे ये एक देख लो, ये मान लो उसका इंटरवल है तो यहां पर भी सेम है। अब ये तो हो गया पीरियोडिक क्योंकि इट इज रिपीटिंग इट सेल्फ आफ्टर अ गिवन टाइम। अगर हम अपीरियोडिक की बात करें तो देखिए अपीरियोडिक में क्या होता है, मान लो ये मेरे पास ये वाला सिग्नल है, अब इतना गैप हो गया, अब ये वाली चीज आ गई, अब इतना सा हो गया, ये जो हमारे पास सिग्नल है वो क्या है, अपीरियोडिक। मीन्स कि इट इज नॉट रिपीटिंग इट्स पैटर्न आफ्टर द गिवन टाइम इंटरवल। और जैसे अगर हम ये वाली बात करें तो ये देखिए इसमें वेव लेंथ की साइकिल बहुत ज़्यादा है, फिर सपोज ये कम हो गई, ठीक है, और फिर मान लो ये फिर बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो कभी मेरी वेव लेंथ वॉइस एक एनालॉग सिग्नल है मेरा ह्यूमन बीइंग का, तो कभी मेरा वेव लेंथ हो सकता है जो साउंड सिग्नल्स हैं वो ऐसी हो, कई बार ऐसी हो, तो मेरा जो बोलने का है वो एनालॉग सिग्नल है बट दैट इज एक्चुअली अपीरियोडिक इन नेचर, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन। सो पीरियोडिक और अपीरियोडिक का भी पता चल गया। उसके बाद आ जाता है कि सिग्नल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, कि हमारे पास कितने सिग्नल लेवल्स हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सिग्नल लेवल है वो
दो भी हो सकते हैं और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं. मल्टीपल मीन्स तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर कोई सिग्नल है, अगर मैं ये देखिए, ये मैं अगर दो लेवल्स ले रहा हूँ, मान लो ये जीरो वोल्टेज है और मान लो ये कोई प्लस वोल्टेज है, तो मेरे पास ये दो लेवल्स हो गए. ओके, तीन लेवल्स भी हो सकते हैं सिग्नल्स के. मान लो कि ये मेरे पास जीरो वोल्टेज है, ये प्लस वोल्टेज है और मान लो ये हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है. तो हमारे पास डाटा ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता था, पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है. तो यहाँ पे तीन लेवल्स आ गए हमारे पास, तो दिस इज मल्टीपल लेवल्स. तो हमारे पास सिग्नल्स में बड़े सारे, चार भी हो सकते हैं. मान लो कि ये जीरो, वन, टू, थ्री, ये चार लेवल्स हो गए. इसमें क्या करते हैं, हम दो बिट्स को इकट्ठा करके रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो कि ये वाला लेवल है, ये जीरो जीरो जब कम्बिनेशन हो तब, क्योंकि अगर दो है तो यही कम्बिनेशन बन सकते हैं, जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो एंड वन वन. तो हमारे पास चार लेवल्स हो गए. तो दिस इज द वे हाउ वी कैन हैव द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स. वी कैन हैव टू, वी कैन हैव मल्टीपल्स, मीन्स लाइक वी कैन हैव थ्री सिग्नल लेवल्स और वी कैन हैव फोर सिग्नल लेवल्स. उसके बाद हमारे पास आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डीसी कंपोनेंट. ये एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज नॉट डिजायरेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सिग्नल. क्यों नहीं है ये सिग्नल में एक्सेप्टेबल? बिकॉज इट कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल. अब होता क्या है, जो डीसी कंपोनेंट है, जब हम आप लाइन कोडिंग करते हैं, जब हमारे पास डिजिटल सिग्नल बन जाता है, तो जब वो थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो सिग्नल में हैव द जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मतलब कि और उस कंपोनेंट को ही हम बोलते हैं डीसी कंपोनेंट. तो जो डीसी कंपोनेंट है, इसकी एक ड्रॉबैक ये होती है कि इट कैन नॉट पास थ्रू सम कंपोनेंट्स, सम डिवाइसेस लाइक ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर्स, उन वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने के कारण ये उसको पास नहीं कर सकता डीसी कंपोनेंट, और इस कारण जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है. उसके बाद आता है बिट इंटरवल. बिट इंटरवल का मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिग्नल, कि एक सिंगल बिट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ बिट इंटरवल. उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिट रेट. बिट रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट इंटरवल्स पर सेकंड, और इसको हम बोलते हैं बिट्स पर सेकंड, और इसको बीपीएस भी बोलते हैं, दिस इज बिट्स पर सेकंड. उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉड रेट. बॉड रेट का मतलब क्या होता है कि इट डिफाइंस द नंबर ऑफ सिग्नलिंग एलिमेंट्स पर सेकंड इन द सिग्नल, कि हमारे पास सिग्नल में कितने ही सिग्नलिंग एलिमेंट्स हैं पर सेकंड, दैट डिफाइन इट्स बॉड रेट. और बॉड रेट जो है दैट कैन बी इक्वल टू, दैट कैन बी लेस और इक्वल टू द बिट रेट. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. इन एडिशन टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास एक और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, लाइक सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो कि सेंडर ने कोई डाटा भेजा, तो जब रिसीवर है तो वो सिंक्रोनाइज्ड होगा कि कब डाटा हमारे पास हाई वोल्टेज का डाटा पहुंचा है, कब नेगेटिव मतलब नेगेटिव वोल्टेज का डाटा पहुंचा हुआ है. सो जो सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द सेंडर एंड रिसीवर कैन सिंक्रोनाइज विद वन अनदर, दैट वन व्हेन एट ए पर्टिकुलर टाइम अ पर्टिकुलर बिट इज स्टार्टिंग एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर बिट इज एंडिंग. सो सिंक्रोनाइजेशन. और कुछ हैं जैसे कि एरर डिटेक्शन है, कि जब डाटा हमारे पास पहुंच गया तो उसको हमने रास्ते में, इफ देर इज एनी एरर सो वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट एरर. सो एरर डिटेक्शन कैन बी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल. नॉइज इम्यूनिटी, क्योंकि वेदरिंग कंडीशंस के कारण किस कैसी भी टाइप का नॉइज हमारे पास सिग्नल के साथ इंटरफियर कर सकता है. सो इन दोज केसेस द सिग्नल शुड बी नॉइज इम्यून.
और कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि हमें कितनी कॉस्ट उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नल. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद लाइन कोडिंग मैंने बताया कि दिस टेक्निक इज यूज फॉर कन्वर्टिंग. हमारे पास डिजिटल डाटा फ्रॉम सेंडर है, लाइन कोडिंग है, लाइन इनकोडिंग के जरिए ये जो डिजिटल डाटा है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर सम कम्युनिकेशन मीडिया एंड एट द रिसीवर एंड कॉरस्पॉन्डिंग लाइन डिकोडिंग टेक्स प्लेस एंड दैट लाइन डिकोड एक्चुअली डिकोड्स द सिग्नल इनटू द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन सेंट बाय द सेंडर. So this is the this technique of converting a sequence of bits means digital data into digital signal is known as line coding. अब हमारे पास कुछ techniques हैं line coding की, unipolar, polar and bipolar. जो unipolar coding है it is called unipolar. Unipolar का क्या मतलब हुआ, क्योंकि इट यूजेस ओनली वन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज लेवल, पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन इन एडिशन टू जीरो लेवल, मतलब हम जीरो लेवल भी यूज करेंगे और इन एडिशन टू दैट जीरो वी कैन हैव पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल. से फॉर एग्जांपल व्हेन बाइनरी वन इज एक हमने ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमने वोल्टेज हाई रखी हुई है 2A और जब जीरो हमने ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए सिग्नल लेवल इज जीरो वोल्टेज, दैट इज वी आर नॉट सेंडिंग एनीथिंग. तो हम इसको इधर वे भी कर सकते हैं कि जो 1 है दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव वोल्टेज. सो इट यूजेस वन पोलैरिटी एंड वन जीरो लेवल. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बिट रेट सेम है एज डाटा रेट क्योंकि एक बिट इंटरवल में सिर्फ एक ही हमारे पास बिट रिप्रेजेंट हो रहा है. ये देखिए अगर ये इसका एक इंटरवल है तो इस इंटरवल में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है और इसमें सिर्फ जीरो ही रिप्रेजेंट हो रहा है. सो इट इज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय नंबर ऑफ बिट्स लाइक हमने मल्टी लेवल्स में जब किया था, मल्टी लेवल सिग्नल्स में तो उसमें दो बिट्स जो थे वो सेम उसको शेयर कर रहे थे इंटरवल को. तो इसमें तो बिट रेट सेम है एज डाटा रेट. डीसी कंपोनेंट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, लॉस ऑफ डीसी कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन यूनिपोलर एक्चुअली. लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्यों लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कि जब सीक्वेंस ऑफ जीरो सी हो, मान लो कि यहाँ पे जीरो है उसके बाद भी जीरो होता, उसके बाद भी जीरो होता, उसके बाद भी जीरो होता तो ये हमेशा लो लेवल जीरो लेवल पे ही रहता तो रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि कौन पर्टिकुलर बिट जो है वो अब कब अगला शुरू हो गया है क्योंकि ये सारा साइलेंट रहेगा उतनी देर में. तो इस टाइम इंटरवल में रिसीवर को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये वाला बिट कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे नया शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है. सो दिस इज द लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. दिस इज वेरी सिंपल लेकिन ये वेरी ऑब्सोलीट इन दिस डेज. उसके बाद हमारे पास आता है पोलर एनकोडिंग. जो पोलर एनकोडिंग टेक्निक है इसमें दो वोल्टेजेस का यूज किया जाता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव वोल्टेज लेवल का. तो जो बाइनरी एक है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई वोल्टेज मींस प्लस ए वोल्टेज और जो बाइनरी जीरो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव वोल्टेज. तो जो पोलर की भी आगे कैटेगरीज हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो, देन रिटर्न टू जीरो, बाई फेस, फिर एनआरजेड की है एनआरजेड लेवल, एनआरजेड इनवर्स, बाई फेस की है मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर. तो अब हम सबसे पहले करते हैं एनआरजेड इनकोडिंग, जो फर्स्ट टाइप है एनआरजेड और इसकी भी दो टाइप है आगे, एनआरजेड एल एंड एनआरजेड आई. जो मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट वे टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल इज टू यूज टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स फॉर टू बाइनरी डिजिट्स. और इसमें हम क्या करते हैं कि जो वन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव वोल्टेज वन एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड ओवर फुल बिट पीरियड, मतलब उतने बिट इंटरवल के लिए जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी मिड पे या कहीं पे भी जाके,
पूरे बिट इंटरवल में जो वैल्यू रहेगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो इसके भी हमने कहा कि दो टाइप हैं, वन इज कॉल्ड एज एन आर जेड एल एंड एन आर जेड आई। सो फर्स्ट हम करते हैं एन आर जेड एल इनकोडिंग। इस इनकोडिंग स्कीम में क्या होता है कि जो वन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लो लेवल, ये देखिए ये वन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव वोल्टेज, एंड बाइनरी जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हाई वोल्टेज। देखो जीरो है वो हाई वोल्टेज पे, उसके बाद फिर वन है तो नेगेटिव वोल्टेज, फिर वन है फिर नेगेटिव वोल्टेज, जीरो है तो पॉजिटिव वोल्टेज, जीरो है तो पॉजिटिव वोल्टेज, फिर वन है तो नेगेटिव वोल्टेज, जीरो है तो पॉजिटिव वोल्टेज। सो वन इज रिप्रेजेंटेड बाय लो लेवल एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई लेवल। सो जो एन आर जेड एल इनकोडिंग स्कीम है इट इज वेरी सिंपल टू जनरेट एंड इन एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर्स। नाउ कम्स एन आर जेड इनवर्स इनकोडिंग। द सिग्नल इज, इसमें क्या होता है कि जो जैसे वन है, वन तो नेगेटिव में ही है, लेकिन इसमें ये वाली चीज मेन है कि द सिग्नल इज इन्वर्टेड, ओनली वन इज एनकाउंटेड। तो इन दिस एनकोडिंग स्कीम में क्या होता है कि यू कैन सी दैट व्हेन बाइनरी वन इज टू बी ट्रांसमिटेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल टेक्स प्लेस, एंड व्हेन इट इज जीरो टू बी ट्रांसमिटेड देर इज नो चेंज इन सिग्नल लेवल। ये देखिए ये वन है, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय लो वोल्टेज, आगे क्या था जीरो था, जीरो का मतलब क्या हो गया कि देर वॉन्ट बी नो इन्वर्शन, तो सेम अब वन आ गया तो इन्वर्ट हो गया, फिर वन है अगला तो फिर इन्वर्ट हो गया इतने टाइम इंटरवल के लिए, फिर जीरो है वही रहा, फिर जीरो है वही रहा, अगला बिट वन था फिर इन्वर्ट हो गया, अगला बिट जीरो था फिर इन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो ट्रांजिशन फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द बाइनरी वन इज टू बी ट्रांसमिटेड, एंड व्हेन जीरो इज टू बी ट्रांसमिटेड देर इज नो चेंज इन द सिग्नल लेवल। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर जेड एनकोडिंग। First of all, it uses two voltage level, positive and negative. Bit rate is also same as the data rate because number of signaling element per bit is one. क्योंकि वो पूरा दो bit share नहीं कर रहे, एक ही bit पूरे bit interval में constant रह रहा है। तो जो NRZL और NRZI है वो हमने बता दिया कि कैसे कैसे वो काम किया है। और इसमें भी वही problem है कि when a long sequence of zeros in data it produces a signal that never changes or it has an average signal rate hai that is n by 2 bd. jaise ki yahan pe dekhiye ye zero hai na, there won't be no transition, and if there are consecutive zeros there won't be any transition at all, and the receiver must be wondering that where to start the next bit and all. That is the problem with the NRZ code. So now comes the return to zero encoding. तो हमने देखा था कि देर वॉज प्रॉब्लम इन एन आर जेड, एंड द मेन प्रॉब्लम विद एन आर जेड अकर्स व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इट मींस कि जो रिसीवर है दैट डज नॉट नो व्हेन अ पर्टिकुलर बिट हैज एंडेड एंड व्हेन द नेक्स्ट बिट हैज स्टार्टेड। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद NRZ. So that limitation is actually this limitation was removed in return to zero. So जो RZ encoding scheme level है that solves the synchronization problem that allows the signal transition in each bit. तो यहाँ पे क्या होता है कि हर bit पे transition होगी ही होगी, मतलब full interval पे वो ऐसे नहीं रहेगा कि फुल इंटरवल पे ही वो वाली वैल्यू रहेगी, वहां पे मिड पे जाके ट्रांजिशन होगी ही होगी। सो अगर हमारे पास ट्रांजिशन होगी तो फिर कैसे ट्रांजिशन होगी कि जब भी हमारे पास वन बिट होगा, जैसे कि एक बिट हमने ट्रांसमिट करना है, सपोज वी वांट टू ट्रांसमिट वन बिट, तो क्या होगा फ्रॉम मिड से ट्रांजिशन होगी
और यहाँ पे ये हाई टू लो चला गया. सो आर जेड इनकोडिंग स्कीम सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम बाय अलाउइंग द सिग्नल ट्रांजिशन इन ईच बिट एंड इट रिमेन्स देयर अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट बिट. ये देखिए ये वन है, ये यहाँ तक रहा, यहाँ तक रहेगा, फिर अगला जीरो हो गया, फिर ये मिड के बाद यहाँ पे आ गया, अगला वन है, फिर ये आ गया, फिर अगला फिर वन है, फिर ये आ गया, फिर ज़ीरो है, फिर ये आ गया, फिर ज़ीरो है, फिर ये आ गया, अगला वन है, तो ऊपर जाके फिर मिड पे जाके ये ख़त्म हो गया. सो दिस इज़ द रिटर्न टू ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो लेवल पे भी आके जो है वो रिटर्न करता है. और उसके बाद रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग में मेन प्रॉब्लम, मेन हमारे पास ये फ़ायदा हो गया कि देर इज अ ट्रांजिशन इन ईच बिट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए इसमें, थ्री लेवल्स हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया और एक ज़ीरो. और इट ऑक्यूपाइज ग्रेटर बैंड बिट बिकॉज इट रिक्वायर्स टू सिग्नल चेंजेस टू इनकोड अ बिट, क्योंकि दो बार ये चेंज हो रहा है. इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होता और गुड सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब रिसीवर को पता चल जाता है कि कब नया बिट शुरू हो रहा है और कब नया बिट खत्म हो रहा है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाईफेस इनकोडिंग. जो बाईफेस इनकोडिंग है इसमें जो सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल, जैसे आरजेड में होता था, बट इट डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो बट गोज अपोजिट वोल्टेज लेवल, मतलब ये ज़ीरो पे रिटर्न नहीं होता, ट्रांजिशन तो मिडल पे होती है लाइक आरजेड, लेकिन अगर आप कहें कि ये ज़ीरो लेवल पे आ जाता है, ये ज़ीरो लेवल पे नहीं जाता, ये अपोजिट वोल्टेज लेवल पे चला जाता है. और इसकी जो दो मेन कॉमन बाईफेस इनकोडिंग टेक्निक्स हैं, दोज आर एक्चुअली मैनचेस्टर इनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग. जो मैनचेस्टर इनकोडिंग है दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन ईथरनेट लैंस, और जो डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग है दैट इज़ यूज्ड विद टोकन पासिंग रिंग नेटवर्क्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग की. मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या होता है कि ईच बिट पीरियड इज स्प्लिट इनटू टू एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन ऑफ सिग्नल लेवल्स इन द मिडल ऑफ ईच बिट इंटरवल. इसमें होता क्या है कि जो बाइनरी वन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लो टू हाई ट्रांजिशन, और बाइनरी जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई टू लो ट्रांजिशन. ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वन मीन्स लो टू हाई and zero means high to low and if there is no transition in bit it indicates that the presence of error, kyunki transition nahi ho rahi iska matlab there is some error. Jo manchester encoding hai that is also called a self clocking line encoding. Kyun bola jata hai isko self clocking line encoding, because जो मिड बिट ट्रांजिशन है दैट सर्व्स अ क्लॉकिंग मैकेनिज्म एंड ऑल्सो एज अ डेटा. सो यू कैन सी हेयर दैट व्हेन अ बाइनरी वन, जो भी बाइनरी वन इज टू बी ट्रांसमिटेड, द सिग्नल लेवल इज लो इन द फर्स्ट हाफ. ओके, दिस इज लो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लॉक एंड देन हाई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्लॉक. And obviously reverse voltage level transition occurs when we have to represent a binary zero. So binary zero means from high voltage and at the middle there is transition but there is no return to zero, going opposite voltage. So one is represented by low to high transition and zero from high to low. Now again one means low to high. Okay, so this is the way how we can represent. Now again one, to iska matlab pehle ye interval pe jayega yahan par, fir this is a low to high. Zero hai to it means zero high to low. One hai fir zero hai suppose, to ye yahi pe hi ho jayega aur ye fir low to high to low. So this is the way how one is represented by low to high transition and zero is represented from high to low transition. उसके बाद हमारे पास आ जाता है differential Manchester encoding. This encoding is similar to Manchester encoding.
in the sense that there is always a transition in the middle of each bit interval. Lekin what is the difference between Manchester and differential Manchester is that ki if the next bit is binary zero, there is transition, and if the next bit is binary one, then there is no transition. और जो ट्रांजिशन है दैट इन्वर्जन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ ईच बिट. तो क्या मेन है हमारे पास कि इफ द नेक्स्ट बिट इज जीरो देर इज ए ट्रांजिशन. अब देखो वन है तो वन तो जैसे मैनचेस्टर कोडिंग में लो टू हाई ही जाएगा पहले, तो ये लो टू हाई हो गया. अगर जीरो है, इफ देर इज जीरो देर इज ट्रांजिशन, सो नेक्स्ट बिट जीरो है सो इज जीरो का मतलब देर इज ट्रांजिशन. यहां तक अगर वन है, वन मीन्स देर इज नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन. देखो यहां तक अगला बिट भी वन था सो नो ट्रांजिशन. यहां तक जीरो था नेक्स्ट बिट तो देर इज ट्रांजिशन. आगे फिर जीरो है देर इज अगेन ट्रांजिशन. सो द मेन थिंग इज दैट व्हेन एवर देर इज बाइनरी जीरो देर इज ट्रांजिशन एंड व्हेन एवर देर इज बाइनरी वन there is no transition. So these are the key characteristics. So two levels are present, no DC component, this is good for synchronization, higher bandwidth due to doubling the bit rate with respect to data rate. ये वही है जो हमने अभी यहाँ पे differential Manchester में अभी हमने आपको जो समझाया. So this is the differentiate between Manchester encoding and differential Manchester encoding. You can go through these some of the differences. Now last comes the bipolar. Bipolar में हम AMI का use करते हैं. Bipolar AMI uses three voltage levels, positive, zero and negative. But unlike RZ, the zero level is used to represent a zero and binary ones are represented by alternative positive and negative. Means कि अगर पीछे positive था तो अगला negative होगा और अगर पिछला negative था तो अगला positive होगा. जैसे कि one है तो ये high voltage पे आ गया, zero है तो zero voltage, आगे फिर one है तो one का मतलब अब देखेंगे पीछे वाला कौन सा था, पिछले वाला high voltage पे था तो ये low voltage पे, आगे फिर one है तो high voltage पे. जीरो नो चेंज, जीरो नो चेंज. नाउ वन, वन मीन्स पिछला हाई वोल्टेज पे था तो अगला लो वोल्टेज पे. सो दिस इज द अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस इन बाइपोलर एएमआई कन्वर्जन्स. नाउ द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इज नो डीसी कंपोनेंट, अगेन लो सीक्वेंसेस, लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ जीरोस अगेन कॉजेस no transition and there is loss of synchronization, lesser bandwidth, error detection capabilities is there. A variation of AIM encoding is also called a pseudo ternary bipolar encoding. Matlab ki instead of doing it for one we can also do it for zero. Jaise yahan pe one ki polarity dekh rahe hain, yahan pe positive hai to yahan pe negative hai. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर हम वन को जीरो वोल्टेज पे शो कर दें और जीरो को वोल्टेज पे शो कर दें. सपोज कि यहाँ पे जीरो होता हाई वोल्टेज, अगर अगला बिट वन होता तो जीरो, अगला फिर मान लो जीरो होता तो पिछला जीरो कहाँ पे था, पॉजिटिव पे था तो नेगेटिव पे था. मतलब हमने चेंज कर दिया, जीरो की जगह वन कर दिया, वन की जगह जीरो कर दिया, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस वेरिएशन इज कॉल्ड एज अ स्यूडो टर्नरी bipolar encoding. उसके बाद आता है B8ZS, bipolar with 8-0 substitutions. कई बार क्या होता है कि there is a long sequences of zeros in the transmission. So उस वक्त क्या होता है कि I suggested that there was a loss of synchronization. So remove that problem. This bipolar with 8-0 substitution was adopted. And what is the basic rule of this? That a sequence of 8 zeros is replaced by this format kab if the previous pulse was positive. Matlab 1 2 3 4 5 6 7 ye 8 zeros hain par previous pulse kya thi, positive.
उस वक्त कैसे वो चेंज होगा, ये तीन जीरोज ऐसे ही रहेंगे, इस जीरो का पॉजिटिव, इस जीरो का नेगेटिव, ये जीरो ऐसे, इस जीरो का नेगेटिव और इस जीरो का पॉजिटिव। और अगर प्रीवियस बिट माइनस होगा, जैसे यहाँ पे प्लस था, तो अगर आठ कंसेक्यूटिव बिट्स हैं अगर जीरो, तो उससे पहले जो प्रीवियस बिट अगर माइनस वन है तो उसमें क्या होगा, ये जीरो जीरो जीरो, इस जीरो का नेगेटिव हो जाएगा, इस जीरो का पॉजिटिव, ये जीरो ऐसा चलेगा, देन अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब सेम ही है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सेम, मिरर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मिरर पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज द वे हाउ द बी एट जेड एस टेक्स प्लेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइन एनकोडिंग एंड हाउ द डिजिटल डाटा इज बींग कन्वर्टेड इट इन टू डिजिटल सिग्नल्स बाई मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंट एनकोडिंग मैथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।